उत्तर प्रदेश में करीब एक महीने तक चले चुनाव प्रचार के बाद सोमवार को उपचुनाव की वोटिंग पूरी करा दी गई। उपचुनाव के लिए प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग कराई गई। इन सभी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट डाला। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। वहीं रामपुर में भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने वोट डाला। केंद्रीय मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने यहाँ पर बीजेपी की जीत के दावे भी किए। तीर मार का नहीं बन सकता, न 30 मार का बन सकता है। इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर धांधली कराने और चुनावी अनियमितता को शह देने के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को सारे दिन अपने ट्विटर अकाउंट से तमाम बार शिकायतें की और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन सारी चीजों से अनजान बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि रामपुर से लेकर मैनपुरी तक तमाम इलाकों में वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया। इसके अलावा कई लोगों से अभद्रता करने और मारपीट करने तक के आरोप भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने मीडिया के लोगों से खूब बहस की। मीडिया और जनप्रतिनिधियों की तमाम आपत्तियों के बीच रामपुर के एक बूथ पर यहां के एएसपी संसार सिंह मीडिया के लोगों से भिड़ गए। एएसपी ने यहां पर एक पत्रकार से अभद्रता की और उसका माइक छीनने की कोशिश भी की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद आम लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और ये कहा है कि अगर रामपुर में मीडिया के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो उपचुनाव के दिन आम वोटर्स के साथ क्या हुआ होगा। अधिकार हो गया कि वो पर्ची और आईडी कार्ड चेक करेगी। एक मिनट रुक जाइए। पुलिस को पहली बात तो पर्ची और आईडी कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है। जिम्मेदारी मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से प्रशासन पर धांधली और अन्य आरोप लगाने के बाद अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा है। मीडिया से बात करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है। सख्त सुरक्षा के बीच सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और अब मतगणना के दिन इन्हें निकाल कर वोटों की गिनती कराई जाएगी। मतगणना के दिन सुबह उन्हीं लोगों की प्रेजेंस में दोबारा खोली जाएंगी। पूरी प्रोसेस जो है ये वीडियोग्राफी के अंतर्गत होगी और माननीय प्रेक्षक भी उसमें। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर महापौर और अध्यक्ष पदों की सीटों पर आरक्षण का ऐलान हो गया है। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में मेयर की सीट अनारक्षित रखी गई है। वहीं 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा 4 सीटों को पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रख दिया गया है। इसी तरह 3 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही अपनी दावेदारी कर पाएंगी।